नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है सियाहत पर मबनी मईशत। कॉलम निगार हैं मिर्जा इश्तियाक बेग और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। शोबा सियाहत मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। दुनिया के कई ममालिक का बुनियादी जरिया आमदन ही सियाहत है और वो सियाहत को फरोग देकर अरबों डॉलर ज़र मुबादला हासिल कर रहे हैं। दुनिया में दर्जनों शहर टूरिज्म के नाम पर आबाद किए गए हैं, मगर पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि सियाहत के शोबे को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। और अगर इस हवाले से कोई पेशरफ्त भी की गई तो इसकी कलई शुमाली इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब में खुल गई, जिसमें सियाहत के नाम पर दरिया के किनारे बनाए गए होटल्स कागज़ के घरों की तरह बह गए, जबकि कई गैर मुल्की सयाह इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वहां फंस गए। इसी तरह हुकूमत का दुनिया के 50 ममालिक को ऑन अराइवल और 175 ममालिक को ई वीज़ा सहूलत देने के ऐलान से भी वो कामयाबी हासिल ना हुई जिसकी तवक्को की जा रही थी। वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के खात्मे के बाद एयर टिकट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद दुनिया की सियाहत करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद सियाहों ने सियाहत की गर्ज से मुख्तलिफ ममालिक का रुख किया, जिससे मजमूई तौर पर उन ममालिक को 1.6 खरब डॉलर से ज़ायद की आमदनी हुई। टूरिज़म के हवाले से दुनिया में फ़्रांस पहले नंबर पर रहा, जहाँ गुज़श्ता साल 10 करोड़ गैर मुल्की सियाहों ने रुख किया, जिससे फ्रांस को 100 अरब डॉलर से ज़ायद आमदनी हुई। जबकि स्पेन 8.5 करोड़ सियाहों के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जिससे टूरिज़म से 68 अरब डॉलर की आमदनी हुई। इसी तरह अमेरिका 8 करोड़ सियाहों के साथ तीसरे, चीन 7 करोड़ सियाहों के साथ चौथे, इटली 6 करोड़ सियाहों के साथ पांचवें, जबकि मेक्सिको बर्तानिया तुर्की और जर्मनी तकरीबन 4 करोड़ सियाहों के साथ बिलतरतीब 6, 7, 8, 9 नंबर पर रहे। थाईलैंड 3.9 करोड़ सियाहों के साथ 10वें नंबर पर रहा, जिसे टूरिज्म से 62 अरब डॉलर से ज़ायद आमदनी हुई। जबकि मुतहदा अरब अमारात को टूरिज्म से 21 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बे इंतहा खूबसूरती से नवाजा है, जहां सियाहों के लिए दिलकश और दिल फरेब मकामात हैं। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई मोहल्ले वकूह के लिहाज से दुनिया के खुशकिस्मत ममालिक में शुमार किया जाता है, जहां एक जानिब बुलंदो बाला पहाड़ हैं तो दूसरी जानिब वसी अरेज जरखेज मैदान और सहरा हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और टेक्सला जैसे तारीखी मकामात, जबकि बहावलपुर जैसे शहर में बेशुमार किले भी मौजूद हैं। पाकिस्तान सहराओं में भी किसी से पीछे नहीं। चौलिस्तान दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर साल खलीजी ममालिक के बाशिंदे शिकार की गर्ज से आते हैं। पाकिस्तान में मजहबी मकामात की भी कोई कमी नहीं। बुद्ध मत और सिख मत के मानने वालों के लिए पाकिस्तान बहुत अहमियत रखता है और हर साल हजारों बुद्ध मत और सिख मत यात्री अपनी मजहबी इबादात के लिए पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखते हैं, जिससे फ़ायदा उठाकर सियाहत की मद में अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जनूबी एशियाई ममालिक में टूरिज़म में भारत का शेयर 70%, जबकि पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 0.2% है। हालांकि पाकिस्तान में दुनिया की 6 बड़ी चोटियां मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें प्रमोट करने में नाकाम रहे, जबकि नेपाल सिर्फ माउंट एवरेस्ट की वजह से अरबों डॉलर्स कमा रहा है। इसी तरह भारत में सालाना 5 करोड़ सयाह सिर्फ ताजमहल देखने आते हैं, जिससे भारत को गुज़श्ता साल 28 अरब डॉलर से ज़ायद की आमदनी हुई। दुनिया के जिन ममालिक में टूरिज्म को फरोग मिला है, वहाँ की हकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो दी है और जगह जगह होटलों का जाल बिछाया है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बायस पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सैलाब के बायस सैकड़ों गैर मुल्की सयाह फंस गए। खुदा न खास्ता अगर किसी गैर मुल्की सयाह के साथ कोई हादसा पेश आ जाता और जानी नुकसान हो जाता तो पाकिस्तान की सियाहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा था। हुकूमत को सियाहत के फरोग के लिए बड़े शहरों में सरमायाकारों को कम कीमत पर जमीन फराहम करना होगी, ताकि गैर मुल्की सयाहों को कम निरखों पर होटलों के कमरे दस्तयाब हो सकें। इसी तरह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी भी
गैर मुल्की सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस समझी जा रही है, जिससे सयाहती शोबे को फरोग मिल सकता है। हकूमत को सयाहत के फरोग और गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान लाने के लिए मजीद इकदामात करना होंगे, जिसमें बैरून मुल्क कायम पाकिस्तानी सफारत खाने मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि इस सिलसिले में कौमी एयरलाइन को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए गैर मुल्की सयाहों के लिए खसूसी सस्ते पैकेजेस का ऐलान करना होगा। इसी तरह गैर मुल्की सयाहों के लिए खसूसी ट्रेन मुतारिफ कराई जाए, जो उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर लेकर जाए। इन इकदामात से पाकिस्तान में सयाहत को फरोग देकर मुल्की तकदीर बदली जा सकती है और हम सयाहत से बआसानी $5 अरब ज़र मुबादला की मद में हासिल कर सकते हैं, जिससे गिरती हुई मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।